देश के एकता के लिए हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, यू मेड योर पॉइंट, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, कल संसद में पीयूष गोयल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी के बारे में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर क्या गृह मंत्री अमित शाह को सांसद या मंत्री बने रहने का अधिकार है? क्योंकि ऐसे शब्दों के इस्तेमाल में तो अमित शाह मल्लिकार्जुन खड़गे से भी कहीं आगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी का कुत्ता भी देश के लिए नहीं मरा और सरकार पर संसद में चूहे की तरह काम करने का आरोप लगाया। लेकिन अमित शाह विपक्षी नेताओं की किन जानवरों से तुलना कर रहे हैं, जरा सुनिए। मैंने एक वार्ता सुनी थी, जब बहुत बड़ी बाढ़ आती है, सारे वृक्ष पेड़ पौधे पानी में बह जाता है, एक वटवृक्ष अकेला बच जाता है, तो सांप भी उस वटवृक्ष पर चढ़ जाता है, नेवला भी चढ़ जाता है, बिल्ली भी चढ़ जाती है, कुत्ता भी चढ़ जाता है, चीता भी चढ़ जाता है, शेर भी चढ़ जाता है, क्योंकि नीचे पानी का डर है, इसलिए सब एक ही वृक्ष पर इकट्ठा होते हैं। ये मोदी जी की जो बाढ़ आई है ना, बाढ़, इसके डर से सांप, नेवला, कुत्ती, कुत्ता, बिल्ली सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने का काम करे। दोस्तों, अमित शाह का यह बयान 4 साल पुराना है। खड़गे ने तो सिर्फ इतना कहा था कि बीजेपी का कुत्ता भी देश के लिए नहीं मरा और सरकार पर चूहे की तरह काम करने का आरोप लगाया था। किसी इंसान को या नेता को चूहा नहीं कहा डायरेक्ट। लेकिन अमित शाह ने क्या कुछ नहीं कहा, विपक्षी नेताओं को सांप कहा, नेवला कहा, कुत्ता कहा और कुत्ती शब्द का भी इस्तेमाल किया। अब अमित शाह से पूछा जाना चाहिए कि आपने कुत्ती शब्द का इस्तेमाल किन नेताओं के लिए किया। ये शब्द ही अपने आप में शर्मनाक है और सवाल उठाता है कि क्या महिला नेताओं को टारगेट किया गया। ये सवाल अमित शाह से पूछा जाना चाहिए। संसद में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को यह बयान सुनाते हुए पीयूष गोयल से पूछना चाहिए कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले क्या गृह मंत्री अमित शाह को भी संसद में बने रहने का अधिकार है या नहीं। अगर मेरा बयान गलत है तो फिर अमित शाह के बयान पर क्या कहेंगे? ये सवाल विपक्षी नेताओं को जरूर पूछना चाहिए पीयूष गोयल से। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।